तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के काल लाल सुन एक बार फिर से। तो दोस्तों, ये मारुति इको है और ये इन भाई की गाड़ी है। ये भाई ने इनका ये प्राइस है, देखो यहाँ पर फिट है, तो मैं ये मानता हूँ इस जगह पर फिट है तो बहुत बढ़िया काम है, बहुत ही बेहतरीन काम है। अभी इस जगह पर फिट रहे ना, बहुत अच्छा मानता हूँ। जो आगे फिट कराते हैं मैं वो बिल्कुल भी यानी गलत मानता हूँ। अभी ये भाई है, इनने कल ही इसका काम करवाया, इसके पत्ते वत्ते सब डलाए हैं, लेकिन ये भाई यूँ बोल रहे हैं गाड़ी एक्सीलेटर नहीं पकड़ी, मतलब दब रही है ना, गाड़ी बहुत ज़्यादा दब रही ना। तो अब इसके पीछे रीजन बताऊं दोस्तों क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके साथ भी कहीं भी हो जाए भाई, आपके साथ मान लीजिए कहीं भी ये सब प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना, ये पाइप तो नहीं फटा है कहीं से। ये पाइप होता है ना, ये अगर कहीं से फट रहा होगा ना तो गाड़ी फटाके भी फोड़ेगी, फटफट बोलेगी, और प्लस ये गाड़ी दबेगी और माइलेज नहीं देगी। दूसरी बात, ये एयर फिल्टर अगर यहाँ से कहीं से लीक होगा ना, एयर फिल्टर का बॉक्स, ये देखिए इन्होंने स्क्रू लगा रखे हैं, यानी काफ़ी अच्छा सीज कर रखा है इन्होंने, इसका मतलब ये बढ़िया है, परफेक्ट। और तीसरी जो चीज़ होती है ना दोस्तों, वो आपको बता दूँ, देखो ये जो वेपराइजर है ना, ये वेपराइजर, ये रहा इसका वेपराइजर गैस का, इसके ऊपर ये नट आता है, ये नट, इसको आपको करना क्या है, एक्सीलेटर देना है एक, और पहले इसको कसते रहना है। देखो जैसे मैं कस रहा हूँ, अब ये गाड़ी हो गई, दबने लग गई, बहुत ज़्यादा दबने लग गई। अब इसको धीरे धीरे खोलना है, ये देखो मैं खोल रहा हूँ, अब देखो इसका एक्सीलेटर ऑटोमेटिक तेज होता जा रहा है, पावर आ रहा है इंजन में। अब ये देखो जिस जगह पर पूरा पावर आ गया ना, उस जगह पर छोड़ देना उसको, ये होती है बिल्कुल फिक्स सेटिंग। इससे क्या होगा, माइलेज भी बढ़िया देगी और पिकअप भी शानदार आएगा। अब ये देखिए, अब आ गया गाड़ी में पूरा पिकअप, और ये भाई काफ़ी परेशान थे, काफ़ी टेंशन में थे। ये कहाँ से आप कहाँ से हो? मंदसौर से, यानी काफ़ी दूर से भाई परेशान होते हुए आ रहे हैं, और जबकि कल ही काम कराया भाई ने, भाई टेंशन में आ गए थे। कल ही काम, चलो तो ये वीडियो इसी में समझा, कोई पेट्रोल खत्म हो गया, इसमें गैस खत्म हो गया, मैंने दोबारा डबल भरवा दिया। अच्छा, गैस भी डबल भरवा दी आपने उस चक्कर में, चलो कोई ना, यार कोई खराब हो गया, डीजल खत्म। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, ताकि आप लोगों के साथ अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है ना इको में, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें चेक करनी, ये पाइप चेक करना कहीं से फट तो नहीं रहा, और ये चेक करना है कहीं से यानी लूज तो नहीं है। अगर ये लूज है तो इसे टाइट करना है, पाइप फट रहा है तो उस पर टेप लगानी है, या इमरजेंसी टाइम में, या फिर उसे रिप्लेस करना है। बस सिंपल सा प्रोसेस है, और कोई काम नहीं होता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो मुझे ज़रूरी लगा वीडियो बनाना, तो मैंने बना दिया। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप ये चीज़ें कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, गाड़ी बहुत ज़्यादा दब रही थी बाइक की, और जो इसकी सेटिंग थी ना, इसमें कोई ज़्यादा कोई परेशानी नहीं थी, यानी ये बाइक काफ़ी दूर से परेशान होते आ रहे थे। इन्होंने यानी एक दिन पहले ही काम करवाया था, फिर यानी उस मैकेनिक से ये हुआ है कि उसकी सेटिंग सेट नहीं हुई अच्छे से, यानी गैस की जो प्रॉपर सेटिंग थी ना वो नहीं हो पाई, इसलिए गाड़ी दब रही थी। भाई ने उस चक्कर में गैस भी ज़्यादा डला दी, मैंने क्या क्या कर लिया, भाई बहुत दूर से परेशान था, पर मैंने एक हल्की सी सेटिंग करी, सिर्फ 2 मिनट लगी और गाड़ी ठीक हो गई, तो भाई काफ़ी खुश हो गए। नहीं दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों के साथ अगर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो आप पहले ये प्रोसेस चेक कर लें, यानी आप कहीं रास्ते में हैं, फंसे हुए हैं, या कहीं आप अपने घर से दूर हैं, तो आप खुद भी इन चीज़ों को सॉल्यूशन निकाल सकें, ताकि वीडियो देखकर आपको नॉलेज रहे इन चीज़ों की, इसलिए मैं ये वीडियो डालता हूँ। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी ऐसी जो नॉलेज है, जो छोटी छोटी जो पब्लिक प्रॉफिट की मैं चैनल पर अपलोड करता हूँ मैकेनिकल, तो वो आपको पता लगे। और अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अपने नंबर दूंगा, आपको अच्छे से अच्छा सजेस्ट करूंगा कि किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके क्या प्रोसेस से कराना है, जिससे आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा, और आपका काम भी बढ़िया हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बेहतरीन होगी और आपके फ़ायदे की होगी। थैंक यू।